वेलकम टू अभिषेक प्रोडक्ट्स, मैं हूं अभिषेक जैन और आज हम बात करेंगे 7 इंचेस कोल्ड लैमिनेशन रोलर के लिए, जिसे आप कर सकते हो मिरर लैमिनेशन। लैमिनेशन हमारे पास इस तरह से रोल फॉर्मेट एंड A4 साइज के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इनमें से कुछ डिजाइन का नाम है ग्लॉजी, 3D, सैटन मैट, स्पार्कल, कैनवस एंड लेटेस्ट मिरर लैमिनेशन। जितने भी हमारे आपको लैमिनेशन मिलेंगे वो सभी थोड़े A4 साइज से हल्के से बड़े साइज के होते हैं, और जो मिरर लैमिनेशन होता है वो ऑलमोस्ट A4 साइज का होता है। आपका डॉक्यूमेंट A4 साइज का है तो आप हमारी 14 इंच की कोल्ड लैमिनेशन मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप A4, 1218, 1319, 1236, 1240 जैसे सारे साइजेस का लैमिनेशन आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट 4x6, 5x7, 4x8 साइज के हैं तो आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हमारा 7 इंच का कोल्ड लैमिनेशन रोलर। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए हमने इस्तेमाल किया है एप्सन का 4260 मॉडल इंकजेट प्रिंटर, जिसके अंदर हमने 270 GSM का फोटो पेपर इस्तेमाल किया है, जिसके ऊपर है RC कोटेड। ये जो फोटो पेपर की कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताई, ये एक हाईएस्ट कॉन्फ़िगरेशन है जो कि एक नॉर्मल डेस्कटॉप इंकजेट प्रिंटर के ऊपर कंपैटिबल है। अगर आप चाहें तो 130 GSM या फिर 180 GSM फोटो पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट क्वालिटी वैसे ही घटेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आपको मैं डेमो दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि नॉर्मल कोल्ड लैमिनेशन कैसे होगा। जब आप नॉर्मल कोल्ड लैमिनेशन का पैकेट परचेज करेंगे और उसे ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपको कुछ इस तरह का पैकेट दिखेगा, एक शीट दिखेगा। उस शीट को आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर रखें, चाहे आड़े में या खड़े में अपने साइज के हिसाब से, और फिर उसे सीजर से काट लें। जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे भी काट दें ताकि आपको अंत में आसानी हो। करने के बाद ऊपर की तरफ से आपको अपने रिलीज पेपर को पील करना है। यहाँ पे जो हमारे रेगुलर लैमिनेशन है, जैसे कि कैनवस, स्पार्कल, मैट, कोल्ड एंड ग्लॉजी, इनके अंदर हमने मोटा रिलीज पेपर दिया है, बट हमारा जो मिरर लैमिनेशन है उसके अंदर पतला रिलीज पेपर होता है। उसका डेमो मैं आपको अंत में बताऊँगा। इस तरह से ऊपर से आप जब आप रिलीज पेपर पील कर लेंगे, उसके बाद आप अपने पेपर को ऊपर की तरफ रख के अपना जो स्पार्कल रोल है, स्पार्कल या फिर कोल्ड लैमिनेशन का पेपर है, उसे ऊपर की तरफ रखें और फिर रोलर को एक हाथ से पकड़ के और दूसरे हाथ से पेपर को पकड़ें और रोलर का प्रेशर पीछे की तरफ से नॉन स्टॉप आने दें। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने एक नीचे अट्टा डाल दिया है और उसके ऊपर मैंने लैमिनेशन किया है। ये इसके लिए किया है ताकि मेरी टेबल डैमेज ना हो, इसके ऊपर कोई गमिंग ना हो या इसके ऊपर कोई दाग धब्बे ना छूटें। यहाँ पे अगर आप कोई अट्टा रख रहे हैं, फोम बोर्ड रख रहे हैं, MDF, प्लाईवुड, कुछ भी आप आइटम रख सकते हैं ताकि आपकी टेबल डैमेज ना हो। और होने के बाद आपका स्पार्कल लैमिनेशन कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अब हम इसे फिनिशिंग कैसे करते हैं आपको बताते हैं। तो जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है आप बस एक नॉर्मल सीजर्स ले लीजिए और उसकी कटिंग कर दीजिए, और ये हो गया आपका स्पार्कल लैमिनेशन। अगर आप इसे रियल लाइफ में देखेंगे तो आपके इसके अंदर काफ़ी सारी चमक दिखाई देगी। शायद कैमरे में इतना वो पूरा कैप्चर नहीं हो रहा है, बट ये एक स्पार्कली इफेक्ट देता है पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो ये था स्पार्कल लैमिनेशन। अब ऐसे एक एक करके मैं आपको दूसरे लैमिनेशन की फिनिशिंग दिखाता हूँ। अगला है कैनवस लैमिनेशन, जल्दी से आपको इसका एक डेमो दिखाता हूँ। तो ये है कैनवस लैमिनेशन और उसकी फिनिशिंग थोड़ी मैट एंड थोड़ी ग्लॉजी दोनों के बीच की रहती है, और ऐसा लगता है कि जैसे कोई खादी या फिर कपड़े का लैमिनेशन इसके ऊपर किया गया हो, या फिर एक जो पेंटिंग होती है कैनवस पेंटिंग, उसकी जैसे इसकी सरफेस रफ होती है। तो ये है कैनवस लैमिनेशन। अगला हम देखेंगे 3D लैमिनेशन।
है 3D लैमिनेशन जिसका आउटपुट कुछ इस तरह से दिखता है। तो अगर आपके किसी भी छोटे बच्चों के या फंकी लैमिनेशन आपको करना है जो कि बहुत ही आई कैचिंग हो तो आप 3D लैमिनेशन चूज़ कर सकते हैं एंड हमारा जो 7 इंच का हैंड रोलर है उसका इस्तेमाल करते हुए आसानी से लैमिनेशन कर सकते हैं। अगला डेमो मैं आपको बताता हूँ ऑफ सैटन मैट लैमिनेशन। अगेन इसमें हम लोग हमारा 7 इंच का रोलर यूज़ करेंगे एंड इसके अंदर आपको भी पता चलेगा कि सैटन मैट की फिनिशिंग कैसे दिखती है। ये है सैटन मैट लैमिनेशन एंड ये ग्लॉजी का ऑपोजिट मैट फिनिश देता है। तो अगर आप इसके ऊपर कोई तेज रोशनी भी रखेंगे तो भी आपको इसका जो प्रिंट है वो क्लियर दिखेगा। ये इसीलिए इसे कहते हैं मैट फिनिश। तो अगर आप कोई नेचुरल लाइट अगर आपके पास अवेलेबल ना है और आर्टिफिशियल लाइट में ही आपका ये जो प्रोडक्ट है डिस्प्ले होने वाला है तो वहाँ पे सैटन मैट की क्वालिटी ही आपको परफेक्ट रिजल्ट देगी या फिर कैनवस लैमिनेशन एक अच्छा रिजल्ट देगा। एंड ऐसा होता है क्लियर सैटन मैट एंड इसे प्रिंट करने के लिए हमने एक एप्सन का प्रिंटर यूज़ किया था। अगला डेमो मैं आपको बताता हूँ लैमिनेशन का। तो ग्लॉजी लैमिनेशन कुछ इस तरह से दिखता है और ये आपको तब यूज़ करना है जब आपके पास एम्बियंट लाइटिंग एकदम अच्छी हो सटीक हो तो आप ग्लॉजी लैमिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लॉजी लैमिनेशन सबसे ज़्यादा बिकने वाला या फिर मोस्ट पॉपुलर बल्क क्वांटिटी वाला ये प्रोडक्ट है एंड सभी जगह ये कॉमन डिज़ाइन या फिर एक कॉमन पैटर्न है। इनके अलावा अगर आप 3D कैनवस स्पार्कल मिरर लैमिनेशन जो कि मैं अब अगला बताने वाला हूँ उनका इस्तेमाल करते हैं तो आप मार्केट में थोड़े हटके काम कर सकते हैं। तो ये है ग्लॉजी लैमिनेशन, इसका आउटपुट ऐसे दिखता है। अगला है मिरर लैमिनेशन। आप चाहें तो फोम बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं एज अ बैकग्राउंड या फिर प्लाईवुड या फिर MDF बोर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं बेस के लिए और फिर आपको जो अपना मिरर लैमिनेशन है उसे इस तरह से प्लेस कर देना है। प्लेस करने के बाद आपको नीचे की तरफ से इसे अब खींचना है और ऊपर की तरफ से रोलर घुमाना है। एंड ये हो गया आपका मिरर लैमिनेशन। अब आपको समझ में आएगा कि हमने नीचे की तरफ एक अट्टा डालने के लिए आपको क्यों बोला था, ताकि आपकी जो टेबल है वो डैमेज ना हो। तो इस तरह से आपका जो मिरर लैमिनेशन है वो इस तरह से आ जाएगा, एकदम क्लियर लैमिनेशन है और अब इसे फिनिशिंग करेंगे। तो ये हो गया हमारा मिरर लैमिनेशन। अब इसे मिरर के ऊपर लगा के बताते हैं कि कैसे आउटपुट आता है। अब मिरर लैमिनेशन के जो ऊपर की तरफ एक और ट्रांसपेरेंट सी कोटिंग होती है आपको उसे निकालना है। कोटिंग थोड़ी पतली सी होती है तो आपको अपने नाखूनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आपने ऊपर की कोटिंग निकाल दी है और अगर आपके पास अच्छा हाइट डिफरेंस वाला मिरर हो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, बट यहाँ बस मैं आपको एक एग्जांपल देने के लिए इस मिरर के ऊपर लगा रहा हूँ। पीछे की तरफ भी अगर आप चाहें तो अपना हैंड रोलर घुमा सकते हैं जिससे और क्वालिटी आ जाएगी। यहाँ पे मैंने अपने एक विंडो के ऊपर डाल दिया है तो ये बन गया आपका मिरर स्टिकर या फिर विंडो स्टिकर। तो इस तरह से एकदम क्लियर आपको प्रोडक्ट अपना डिस्प्ले में आ गया है।